आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद व यूपी प्रभारी संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, अब ईडी की चार्जशीट में क्या कुछ निकल कर आया है लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, ईडी की चार्जशीट में फर्जी तरीके से, झूठे तरीके से मेरा नाम डाला था, और जब मैंने उनको मानहानि का नोटिस भेजा तो उन्होंने अब लिख के दिया कि वो तो टाइपोग्राफिकल एरर थी, गलती से हमने आपका नाम लिख दिया, लिखना था राहुल सिंह, लिखा गया संजय सिंह। तो आप बेवकूफ समझते हैं? इस देश के लोग घास खाते हैं? अरे भाई, अजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, विजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, राहुल सिंह का संजय सिंह कैसे हो सकता है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के इशारे पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की एक कोशिश है, और इसी के तहत हमारे नेताओं का नाम समय समय पर उछाला जाता है। कभी कहते हैं मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़ दिए, सारे फोन चल रहे हैं। कभी एक चंदन रेड्डी को कनपटी फाड़ देते हैं मार मार के, और बाद में कहते हैं कि कुछ लिखो, इनके खिलाफ बयान दो। तो यही करा रहे हैं लोग, इसके अलावा कुछ नहीं। इनकी जाँच झूठ का पुलिंदा है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। ईडी एक ऐसी संस्था है जो सरकारों को गिराने के लिए काम करती है, विधायकों को तोड़ने के लिए काम करती है, दूसरी पार्टियों को मैनेज करने के लिए काम करती है। तो ईडी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से संचालित होती है, और मैं तो ये कहूँगा कि ईडी की विश्वसनीयता आज इतनी गिर चुकी है कि उत्तर प्रदेश के होमगार्ड और सरकारी स्कूलों में जो चौकीदार रखे जाते हैं वो ईडी से अच्छा काम करते हैं। सर, आगे का कदम क्या होगा आपका? जिस तरह से चार्जशीट में पहले नाम आपका आया, उसके बाद उन्होंने बैकफुट पे लिया और कहा गलती से नाम आपका उसमें चला गया, तो अब आगे की क्या रणनीति है आपके द्वारा? देखिए, अब तो वित्त सचिव को हमें परमिशन देनी चाहिए मुकदमा चलाने के लिए। अब देखिए, अगर परमिशन नहीं देंगे तो हम अपने वकीलों से कानूनी राय लेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं। सर, जंतर मंतर पर भारतीय रेसलर्स जो हैं वो धरना दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी जा चुके हैं, वहाँ पर मुलाकात की है, लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही। देखिए, विनेश फोगाट के मामले में और जो भी हमारे ओलंपियन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बैठे हैं उनके मामले में कार्रवाई तब तक नहीं होगी जब तक प्रधानमंत्री जी नहीं जाए, ये बिल्कुल साफ है। बाकी हम लोग चाहे जितनी बातें कर लें, जब तक मोदी जी नहीं चाहेंगे तब तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या मानते हैं आप जिस तरह से आरोप लगे हैं भूषण शरण सिंह के ऊपर, आप कैसे देखते हैं इन आरोपों? नहीं, जो आरोप लगे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, और जो आरोप है वो अपने आप में गंभीर है। और मैं तो कह रहा हूँ कि जब अपनी परिवार की बेटी मानते हैं मोदी जी विनेश फोगाट को, तो आप कहाँ छिपे हुए हैं? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पूरे मामले? जब तक प्रधानमंत्री, फिर इन्वर्टेड कॉमा मैं आपको बोल रहा हूँ, जब तक प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे तब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी, प्रधानमंत्री को सामने आना ही पड़ेगा। तमाम तरह के और भी सवाल किए जा रहे हैं कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, जनसभा करते हैं, लेकिन जंतर मंतर पर नहीं जा रहे हैं और रेसलर से नहीं मिल रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? जब भी वो मेडल लेके आते हैं प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले फोटो खिंचाने के लिए लालायित होते हैं। जब भी यही खिलाड़ी बेचारे, जब ये कभी कोई मेडल पाते हैं तो सबसे पहले वो लालायित होते हैं फोटो खिंचाने के लिए, तो सब तरह से झूठा कुछ नहीं। नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कल पहले चरण के लिए मतदान होना है। नगर निकाय का चुनाव आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से अच्छे ढंग से लड़ रही है, पिछले एक साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और ये शहरों की सफाई का काम है। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से कहूँगा कि कम से कम इसी एक छोटे से ही चुनाव से सही आइए मिलकर बदलाव की शुरुआत करते हैं। झामझला तो ये संजय सिंह जी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से कल उत्तर प्रदेश के 37 जनपदों में मतदान होगा, ऐसे में जनता से इन्होंने अपील की है कि यह काम जो है वो शहर की सफाई का है, और इसलिए इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देकर यह सुनिश्चित करवाएं। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।